नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह ATS ऑटोमेशन से आज जो वीडियो लेके आया हूँ, ये हमारा ATS 400 मॉडल है। कलर देखिए, मैं दोनों लेके आया हूँ वीडियो में, एक हमारे पास वाइट कलर में है, एक ब्लैक कलर में है। फंक्शन वाइज सेम है, साइज सेम है, बस थोड़ा और डिजाइनिंग और कलर में डिफरेंट दिख जाएगा। तो कटर का वीडियो स्टार्ट करेंगे, कितना शेड काटते हैं। सब दोनों में सेम शेड काटेगी आपकी, 1.5 इंच का गैप है, 18 इंच का कटर है ये। 1.5 इंच के अंदर जितनी शीट्स आ जाएगी वो आपकी शीट की GSM के हिसाब से है, आपका कितने GSM की शीट है उस हिसाब से पेजिस आपके ज़्यादा या कम हो सकते हैं। नॉर्मल ये 300 से 500 शीट इजीली कट करती है मशीन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ATS 400 पेपर रिम कटर। तो चलिए पेपर में हम इसमें कट करके दिखाएंगे किस तरीके से कट होगा। ये देखिए, हैंडल जब आपके पास आएगा इस तरीके से आएगा, स्पेयर पार्ट इसके इसमें रहते हैं। ये देखिए, एलंकी से आप इसको हैंडल को, जो ये आपका पेपर को प्रेस करने के लिए होता है वो हैंडल है, ये लीवर, ये इस तरीके से इधर लगेगा, ऐसे लग जाएगा, और ये स्क्रू को हम वापस इसमें फिक्स कर लेंगे। इस फिक्स करने के बाद इसमें आप इसे वापस रख के और ये बंद कर लेना है। एलंकी एक इसमें देखिए, दूसरा भी एलंकी है, वो आपका ब्लेड चेंज करने के लिए है। तो इसमें देखिए, ये ऑलरेडी मैंने इसमें सीधा लगा रखा है। अब इसको जब हम घुमाएंगे तो ये लीवर ऊपर आता है, और ये जो ब्लू पट्टी है ये हाथ की सेफ्टी के लिए रहता है कि पेपर जो ब्लेड है उस पर आपका हाथ ना आए पेपर कटिंग के टाइम। और ये देख रहे हैं ट्रे है, ये सपोर्ट करती है अगर पेपर आपका ज़्यादा बाहर आ रहा है। तो ये हैंडल ऊपर जाएगा और यहाँ जाके ये लॉक लग जाता है। ये लॉक अनलॉक है सेम, इसमें भी वही चीज़ है, ये ऊपर गया, ये लॉक लग गया, ये लॉक अनलॉक है। अब इसमें शीट्स काट के दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, दो कॉपियां हैं, ये दोनों मैं काट के दिखाऊंगा। ये यहाँ से लगेगा और ये पेपर नापने के लिए रहता है, कितना बड़ी शीट आपको काटनी, कहाँ तक काटनी, वहाँ ये ले जाके इसको फिक्स कर लेंगे और फिर ये फिक्स हो जाएगा, पीछे नहीं आएगा, उसको फिर प्रेस कर लेंगे। सेम यही चीज़ इसमें भी है आपकी, जितने भी शीट साइज जो शीट का काटना होगा वहाँ ले जाके आप इसको सेट कर देंगे, जिस भी साइज पे काटना है वहाँ ले जाके इसको आपने फिक्स कर लेना, तब ये पीछे नहीं आएगा और आपकी शीट का साइज यहीं तक रहेगा जहाँ तक आपको कटिंग करनी है। इस तरीके से लगाने के बाद इसको हम प्रेस करेंगे। ये प्रेस किया हमने, ये शीट प्रेस हो गई, इसको कट करना है। ये अनलॉक करके हैंडल नीचे आएगा, प्रॉपर पीछे आएगा हैंडल, ये अनलॉक दबा के रखना है और इतना हैंडल ला के फिर आप इसको हटा सकते हैं। अब शीट कट करनी है, ये इस तरीके से कट कर लेंगे आप और ये हैंडल वापस ऊपर ले जाएंगे और ये शीट साइड करेंगे और जो यहाँ पे पेपर है वो इजीली कट गया है। अब इसको वापस हम घुमाएंगे और ये रिलीज कर लेंगे। रिलीज करने के बाद यहाँ से शीट हमने निकालनी है, ये तो सैंपल के लिए काटा है हमने। ये देखिए, अगर आप इसको देखना चाहते हैं, ये देखिए कटिंग इसकी एकदम स्ट्रेट कटिंग है। शीट इसमें आपकी इजीली 300 से 500 शीट आ जाएगी, 1.5 इंच का गैप है, उसमें जितनी शीट आ जाएगी वो इजीली कट हो जाएगा। इसका ब्लेड हमारे पास मिल जाता है और ये ब्लू पट्टी भी हमारे पास आपको मिल जाएगी। ब्लेड मैं आपको दिखा देता हूँ, इसके अंदर जो ब्लेड है वो 20 इंच का ब्लेड लगा रहता है। ये देखिए, इस टाइप का इसमें ब्लेड लगा रहता है, 20 इंच का ब्लेड है। स्टील ब्लेड है, वो भी हमारे पास मिल जाएगा और ये जो रेड पट्टी है ये भी मिल जाती है। और कटर जो है इसका वेट आपका 22 kg वजन है मशीन का,
सेम मशीन है, बस कलर का अंतर है, जो कलर आपको पसंद हो वो आप ले सकते हैं। AKS 400 हैवी ड्यूटी पेपर कटिंग मशीन फ्रॉम AKS ऑटोमेशन न्यू दिल्ली। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइबर्स।